तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और टीजीटी वालों को गुड न्यूज़। जैसे दोस्तों एक बड़ी खबर आई है टीजीटी वालों के लिए। वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप में है चैट है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई होती है। जो खबरें ग्रुपों में आती हैं, हालांकि मैं तो ये मानता हूँ कि जो ग्रुपों में खबरें आती हैं वो सच्चाई होती है, क्योंकि वो बहुत सारे लोग उसमें जुड़े होते हैं, तो एक विश्वास पात्र ही वो चीज़ें हालांकि बन जाती हैं। तो एक बड़ी खबर आई है, वो आपको मैं दिखाऊंगा, और रिजल्ट तारीख को लेकर बड़ी खबर आई और एक और खुशखबरी मिली है टीजीटी ब्रेकिंग। जी दोस्तों, टीजीटी वालों के लिए एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी ऐसी अपडेट पाना चाहते हैं SSC से संबंधित कोई भी, अगर आप छोटी बड़ी अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब दोस्तों मेन मुद्दे की बात पर आते हैं। ये देखिए, टीजीटी भर्ती मामला 2015 टीजीटी वाले अब वैलिड हो चुके हैं। सरकार की बहुत बड़ी जीत हुई है। टीजीटी भर्ती को लेकर जो रुकावटें आ रही थी वह रुकावट खत्म होती है। टीजीटी रिजल्ट को लेकर जो बोला था 15 जुलाई से पहले आ जाएगा, अब उसकी संभावना और ज़्यादा बढ़ गई है। ये मैंने आपको बोल दिया दोस्तों, क्योंकि हालांकि आप इसमें ज़्यादा कुछ शक वाली बात भी नहीं है, क्योंकि सरकार ने अब आगे की तैयारी करने की सोच ली है। यानी 20 तारीख से सभी सेंटरों को, मतलब जो जहाँ पर परीक्षा लेनी है, परीक्षा केंद्रों को नोटिस भेज दिया है। तारीखें उसमें इंक्लूड की गई हैं, 20 तारीख उसमें पहली है, और इस हिसाब से हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं इन जो पुराने मामले हैं इनको निपटा सकती है सरकार और SSC। उसकी संभावना और ज़्यादा बढ़ चुकी है। टीजीटी भर्ती को लेकर जितने भी केस थे सब खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों ये तो बात ठीक है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आगे जो अब सरकार क्या करती है, कब तक रिजल्ट देती है और कब तक ये भर्ती पूरी होती है। क्योंकि बहुत दिन हो गए दोस्तों, टीजीटी भर्ती का जो मामला है बहुत दिनों से अटका पड़ा है कोर्ट में, और उसकी यहाँ पर संभावना ये बताई जा रही है कि सब मामले ख़त्म हो चुके हैं। आपका क्या कहना है इस विषय के बारे में, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो, और SSC से संबंधित कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।